एक समय की बात है, वारासुर की कन्या उषा ने सुस्वस्थावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध की विरह से वह इतनी इच्छुक हो गई, उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था, या वही व्यक्ति है। यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी की बात सुनकर चित्रलेखा खोजते हुए द्वारका पहुंची। वह अनिरुद्ध को पहचान कर उसका अपहरण कर ली, क्योंकि वह राक्षसी माया की धनी थी। रात्रि में वह पलंग सहित अनिरुद्ध को कोधिल बेला में वारासुर नगरी पहुंचे। इधर प्रद्युम्न पुत्र शोक से ग्रसित हो गए। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण भगवान विफल हो गए। रुक्मणी भी अपने पौत्र के अपहरण से बहुत दुखी हुई और कृष्ण से कहा, उसकी खोज करें, नहीं तो मैं शोक से अपने प्राण त्याग दूंगी। कृष्ण भगवान ने यादवों की सभा बुलाई, जहां पर लोमेश मुनि भी थे। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। महर्षि लोमेश जी ने कहा कि हे कृष्ण, वारासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे वारासुर महल पर छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत करने से आपके पौत्र अवश्य ही आ जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कथा अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु वारासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि यह युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध रहा, मेरे पिता शिव जी ने भी वारासुर की बड़ी रक्षा की, पर फिर भी परास्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर वारासुर के सहस्र भुजाओं को काट दिया। ऐसी सफलता मिलने का कारण संकट व्रत ही था। श्री गणेश को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।